हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लाइफस्टाइल विद यश। तो आज हम करने वाले हैं, दिस इज अ डिटेल वीडियो फॉर द गोप्रो। जैसे कि आप जानते हो, लाइक वी हैव अ व्लॉग चैनल, हम डेली व्लॉग करते हैं 11 AM। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने ऑर्डर किया है गोप्रो, क्योंकि यार हम लोग शूट कर रहे हैं आईफोन से, लेकिन हमें मोटो व्लॉग्स भी करने की हम सोच रहे थे ना, बट अनफॉर्चुनेटली हम कुछ टाइम तक मोटो व्लॉग नहीं कर पाएंगे बिकॉज ड्यू टू माय फ्रैक्चर ये हो चुका है। बट फिर भी गोप्रो तो ऑर्डर किया है, हम व्लॉग्स कर सकते हैं, आउटिंग व्लॉग्स और होम व्लॉग्स बहुत चीज़ हैं। तो आप प्लीज़ जूम कीजिए, हमने ऑर्डर किया है गोप्रो 11, इफ़ यू कैन सी राइट द लेबल। और ये यार इसकी कुछ एसेसरीज हैं जो बहुत ज़रूरी हैं इसके लिए। गोप्रो आप जानते हो इसका प्राइस, और इसके बाद सिर्फ इसका प्राइस ही इसके लिए इनफ नहीं है, वो सब मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। मैंने पहले सोचा था कि यार बस गोप्रो लेने से ना हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, बट इट्स जस्ट अ कैमरा। और ये भी सिर्फ गोप्रो नहीं है, ये मैंने गोप्रो का पूरा बंडल ऑर्डर किया हुआ है। इसके अंदर इसकी खुद की एसेसरीज हैं, इसके अलावा हमने बहुत चीज़ें ऑर्डर की हैं जो कि हमें एडिशनली आफ्टर मार्केट गोप्रो के अलावा ऑर्डर करनी पड़ती हैं, और वो बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको डिटेल में। अभी हम इन चीज़ों को थोड़ा साइड कर देते हैं और हम पहले अनबॉक्सिंग करते हैं अपने गोप्रो की। ओके, तो ये मैंने ऑर्डर किया था अमेजन से, और अमेजन से ऑर्डर करने के लिए मुझको पहले देखना पड़ेगा कि भाई मेरा प्रोडक्ट सही आया नहीं आया। मैंने पूरी तरीके से अनबॉक्स नहीं किया है, बस मैंने इसकी सील ओपन कर दी है। तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, इसका केस। तो गाइज ये देखो यार, मुझे सबसे बढ़िया लगा कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का हमारे पास गोप्रो का केस आया है यार। ये आप इसको कैरी कर सकते हो अपने साथ, अपने ट्रैवलिंग बैग में, इसकी पूरी किट के साथ। इसके अंदर बहुत चीज़ें हैं, अब हम देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। ओके गाइस, नाउ यू कैन सी हमारे पास क्या क्या है इसमें। ये आई थिंक इसका हेड बैंड है, जैक, हमारा गोप्रो जे जैक कहते हैं इसे, एंड दिस इज द गिम्बल अफिलिएटेड फ्रॉम गोप्रो। ये गोप्रो ब्रांड का एक गिम्बल है जो इसके लिए होता है। और ठीक है, अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। आप प्लीज़ यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से दिखा दो। ओके गाइस, अब आप देख सकते हैं ये सब्सक्रिप्शंस हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स हैं आई थिंक, और ये है हाउ टू इंस्टॉल इट एंड अदर थिंग्स। तो ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ, इसको हम बाद में रीड करेंगे। दिस इज़ द मैनुअल जो कि आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यार इसका हेडबैंड की क्वालिटी, मैं चेक कर रहा हूँ कैसी है। आई होप अच्छी हो गया, जब गोप्रो ब्रांड की तरफ से हमने लिया है तो। बंडल में यार क्या होता है ना, हम लोगों को अलग अलग से ये सब चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, लेकिन बंडल में हम अच्छी होती हैं। तो गाइस दिस इज अ नाइस हेडबैंड, बहुत अच्छा है, गोप्रो क्वालिटी का ये है। आप साइकिलिंग कर रहे हैं फिर मोटो व्लॉग भी करके ना, हेलमेट पे जो हम लगाते हैं, हम देखा होगा साइकिलिंग करते लोग, तो उसके लिए हेडबैंड है। वैसे हमारे किसी काम का नहीं है, बट मे बी इन फ्यूचर वी विल यूज दिस। तो देखते हैं अभी इसको साइड में करते हैं। एंड दिस इज द गिम्बल, आप देख सकते हो बहुत ही प्रो क्वालिटी का गिम्बल है, और बहुत ही लाइट वेट है, मतलब बहुत ही लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है। मेरे साथ में प्लास्टर है, मैं इसको कैरी कर सकता हूँ, कुछ वेट है ही नहीं इसमें। और ये इसका आई थिंक यही इसका जैक है, या फिर आई थिंक ये इसका जैक है, आई डोंट नो इसको कैसे करते हैं, बट आई ट्राई टू डू दिस। नो, दिस इज नॉट द राइट वे, चलो हम इनको बाद में करेंगे। दिस इज द जे जैक। ओके, इसके अलावा हमारे पास, यहाँ से दिखाओ, इसके अलावा हमारे पास देखते हैं और क्या क्या है। ओके, ये इसकी चार्जिंग केबल है गाइस, गोप्रो को चार्ज करने के लिए। और ये इसका माउंट, आई थिंक ये जैक के लिए माउंट होगा, मुझे तो यही लगता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बचता। ये हमारा एक और जैक, ये आई थिंक गाइस कार डैशबोर्ड के लिए है, मुझे लगता है कार में डैशबोर्ड होता है ना, उसके लिए माउंट करने के लिए है गोप्रो, यहाँ रख देते हैं। ओके, बंडल मैंने क्यों मंगाया, मेनली आपको पता है गोप्रो में जो इसकी बैटरी आती है
तो ये GoPro 11 की दो बैटरीज आई हैं इस बंडल में। आपको पता है यार, इसका बैकअप मुझे नहीं पता अभी कितना है। मुझे वो लोग बता रहे थे कि 1 घंटे का बैकअप होता है। वो जब मैं इसको यूज़ करूँगा तब मैं बताऊँगा इसका बैकअप कितना होता है। लेकिन फिर भी मैंने यार दो बैटरीज ऑर्डर कर ली हैं। मैंने ऑर्डर नहीं की, मीन्स बंडल पैक में आती हैं दो बैटरीज। और नाउ इट्स टाइम टू रिवील आर GoPro गाइस। चलो यार उठाते हैं, ये तो मेन चीज़ है। आजा GoPro, आजा आजा आराम से आइयो। ओके 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 यार, कितना छोटा सा क्यूट सा लग रहा है। लगता है क्यूट सा, लेकिन इसका काम क्यूट नहीं है। तो हम इसकी सील खोलने से पहले भगवान का नाम लेंगे, जय श्री श्याम। और ये इसके साइड लेटर तो चुकी है। और गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू डू आर फेवरेट वर्क, जो हमारा पसंदीदा काम है, इसको निकालना। फ्रंट स्क्रीन, ओ माय गॉड, कितना प्यारा लग रहा है यार। और ये इसका लेंस, एज यू कैन सी यार, कितना प्यारा लग रहा है। और ये जो लेंस है गाइज, ये रिमूवेबल होता है GoPro 11 का, मैंने देखा था। और मुझे पता भी, मेरे फ्रेंड्स के पास है, तो मैं इसको रिमूव भी करके दिखाऊंगा ना, क्योंकि नया नया मेरे को नहीं निकालना, मेरे को अच्छा लग रहा है। तो मैं ये इसलिए कि अगर आपका लेंस में कोई डैमेज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। बाय द वे, हमने टैम्पर्ड ऑर्डर कर लिया, हम टैम्पर्ड लगाएंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे। पर अगर आपको हो जाता है इन फ्यूचर, तो आप इसको GoPro की वेबसाइट से ऑर्डर करके नया ले सकते हैं। एंड दिस इज़ द पावर बटन, और ये इसके माउंट्स हैं इसको माउंट करने के लिए ऑब्वियसली। और ये इसका शटर है टू स्टार्ट वीडियो रिकॉर्डिंग। और यहाँ से शायद इसका बैटरी का केस खुलता है, मुझे भी नहीं पता, मैं पहली बार खोल रहा हूँ गाइस। तो गाइस, ये इसका बैटरी का प्लेस है, इसलिए हमें इसको नीचे पुश करना है। अगर खुल गया है, आप देख सकते हो इसमें भी बैटरी नहीं है, तो हम इसमें भी बैटरी प्लेस करेंगे। बैटरी हमने ऑर्डर कर चुके हैं। पहली बार कर रहा हूँ गाइस, मुझे इतने भी आइडिया नहीं है, तो मुझे डर लग रहा है। बस सब कुछ सही से हो जाए। ओके, नाउ इट्स टाइम टू ओपन दिस स्क्रीन, द बिग स्क्रीन गाइस। अमेजिंग। अब हम इसको ऑन करेंगे, साइड से प्रेस करके रखते हैं आई गेस। ओ माय गॉड, ये ओपन हो चुका है गाइस, हमारा GoPro 11। ओके, अब इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, हम सेटिंग्स करेंगे। लैंग्वेज ऑब्वियसली वी विल प्रेफर इंग्लिश। एंड यार, लीगल स्टफ से ऑब्वियसली आप डिसएग्री नहीं कर सकते, आपको एग्री करना ही पड़ेगा। लोकेशन इज ऑन। ओके, तो हमें अपने फ़ोन में यार GoPro का क्विक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बिना ये नहीं चलेगा। तो मैं क्विक ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइनली इट्स डन। दोबारा से हम ऑन करते हैं अपने GoPro को। की बैटरी 14% है। ओके गाइस, तो हमारा GoPro रेडी हो चुका है। तो गाइस, अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं, ऑफ करके इसको रख देते हैं किसी सेफ जगह, ठीक है, केस में रख देते हैं इसको। केस में रख के इसको करते हैं पीछे यहाँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यार इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़। जैसे मैंने बताया कि इसकी नई बैटरी अभी डाउन हो गई है, तो इसके लिए मैंने ऑर्डर किया है ये केस। ये है टेलसिन का केस। तो गाइस, ये है टेलसिन का बैटरी चार्जिंग केस। ये GoPro के लिए होता है, और बहुत काफ़ी लोगों की रिकमेंडेशंस थी, मैंने YouTube से भी देखा और अपने दोस्तों से पता किया, फॉर हीरो 12, 11, 10 एंड 9। ओके, तो ये ब्रांड है। अभी मैंने इसको सील भी ओपन नहीं किया, चलो इसे ओपन करते हैं गाइस।
तो ये निकल चुका है, तो ये केस कुछ ऐसा है गाइस, ऐसी पैकिंग में आता है। और मैं देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। ये निकला है यार इसका चार्जिंग केबल, डेटा केबल, जिससे हम इसे चार्ज कर सकते हैं। और ये है एक हमारा छोटा सा, ओके सो दिस इज़ बहुत अच्छी पैकिंग करी यार, बहुत सॉलिड क्वालिटी भी है। टेल्सिन का हमारा चार्जिंग केस यार, ये बहुत प्यारा लग रहा है मुझे तो। आई थिंक ये इसका, ओके ये इसका चार्जिंग पोर्ट है पीछे से। और ये यार कैरी भी कर सकते हो आप इसको बहुत इजीली। और इसको ना यार ये ऐसा नहीं कि बहुत लूज हो जाएगा, इसमें आप देख सकते हो प्रेस टू ओपन, हम इसको प्रेस करेंगे तो ही ओपन होगा ये। ओके बिना इसके ओपन नहीं होगा, इसको बंद कर सकते हैं बंद। अब ना आप इसको खोल नहीं सकते गाइस, ये बहुत अच्छी चीज़ है इसकी। अब इसको प्रेस करोगे तभी ओपन हो सकता है, उसके अलावा नहीं होगा। तो इसमें ना आप देख सकते हो तीन बैटरी केसेस हैं, 1, 2, 3, एक टाइम पे तीन बैटरी चार्ज कर सकता है। तो अभी तो मैंने देखा नहीं है, तो अभी मैं देखता हूँ जो हमारी नई बैटरी थी कहाँ गई, उसको डाल के चार्जिंग के लिए की हाथों हाथ हम देख लेते हैं कि क्या इंडिकेशंस आते हैं। मुझे पता नहीं यार कैसे डलता होगा, देखते ही पता चल जाएगा। सेंटर वाले में डालते हैं, तो गाइस आप देख सकते हो मैंने हमारे टेल्सिन पावर केस में बैटरी चार्जिंग पे लगा दिया। तो यार मैं इन चीज़ों को पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे लगा था कि चार्जिंग केस है कि इसको हम पहले चार्ज कर सकते हैं और उसमें बैटरी लगा सकते हैं। नो इट्स नॉट लाइक दैट। हमें क्या करना होगा, इसको अपने आप 5 वोल्ट के 2A पावर अडेप्टर से, ये मेरा सैमसंग का 5 वोल्ट का 2A पावर अडेप्टर है, उससे मैंने इसको चार्जिंग केस में लगाया हुआ है। और इसके अंदर बैटरी डाल के हम इसको चार्ज कर सकते हैं। तीन बैटरी के तीन इंडिकेटर्स हैं, 1, 2, 3। मैंने सेंटर में बैटरी डाली हुई है तो वो उसको चार्ज कर रहा है, एंड दैट्स इट। तो हमें पावर इसको देनी पड़ी कंटिन्यूसली बैटरी चार्ज करने के लिए। इसका फ़ायदा क्या है कि आप एक टाइम पर तीन बैटरी चार्ज कर सकते हो। और इसके अंदर आपको मेमोरी कार्ड रीडर भी और ये सब लाइक प्लेस करने के लिए जगह मिलेगी आपको। सो इट्स अ कूल थिंग। आइए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमने इसमें जो बैटरी हमने लगाई थी ना, तो वो ना डिस्चार्ज है, 3% शो कर रहा था। तो अभी हमने इसमें न्यू बैटरी लगाई है। और अब इसके बाद हमारे लिए ज़रूरी है ये मेमोरी कार्ड। तो यार मेमोरी कार्ड को मुझे देखे हुए तो बहुत ज़माना हो गया, क्योंकि अब हम मेमोरी कार्ड कौन ही यूज़ करता है, सबके फ़ोन में मेमोरीज होती है और आईफोन में मेमोरी कार्ड डलता भी नहीं है। तो हमने ऑर्डर किया यार सैंडिक्स का एक्सट्रीम प्रो। मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखने के बाद देखा है ये 4K USD है और U3 है, और ये है 256 GB। यार बहुत एक्सपेंसिव आया, प्राइस मुझे याद नहीं है, मैं बाद में देख के आप लोगों को बता दूंगा। ओके चलो इसे ओपन करते हैं। तो गाइस कवर लगाने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ये हमने मंगाया है पोपियू, पता नहीं POPIU का ये टेम्पर्ड है फॉर GoPro। ये भी मैंने इसकी काफ़ी रिकमेंडेशन देखे थे, सोचा मैं इसे ऑर्डर कर लेता हूँ। तो हम ऑब्वियसली स्क्रीन के साथ हम वी कैन नॉट इग्नोर इट, तो हमें ये, दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके तो ये खुल चुका है, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। आई थिंक ये इसका बिग स्क्रीन है, ये इसका लेंस का टेम्पर्ड है, और ये इसका छोटे वाले लेंस का टेम्पर्ड है। और ये क्या है, इन लोगों ने हमें प्रोफेशनल क्लीनिंग वेट वाइप ड्राई वाइप, ये साफ़ करने के लिए स्क्रीन को। हमें कितने मिले हैं, 1, 2 एंड 3। 3 हमको मिले हैं टिश्यूज टू क्लीन इट। ये मिले हमें चिट्स, स्टिक डाउन स्लाइटली एंड वॉच यूट्यूब वीडियो फॉर गाइडेंस। ओके ये लेंसेस, और ये भी हमें स्टिकर्स मिले हैं। तो गाइज हमें 3 स्टिकर्स मिले इसमें, और 3 ही हमको वेट एंड ड्राई वाइप टिश्यूज मिले हैं। ये अच्छी चीज़ है यार। और ऑब्वियसली 3 टेम्पर आए हमारे पास फॉर फ्रंट लेंस, बैक स्क्रीन एंड फ्रंट स्क्रीन। अब हम लोग अपना टेम्पर्ड लगाने वाले, तो बस अब देखते जाओ यार, मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। पहले मैंने यार वो वेट वाला कर लिया, मैं रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर पाया था, मैं ड्राई वाला कर रहा हूँ। स्क्रीन को एकदम क्लीन हम लोग करेंगे, और क्लीन हो जाने के बाद आगे बढ़ेंगे। ओके
करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा सबसे बड़ी स्क्रीन वाला टेम्पर्ड है। यार ये बहुत बहुत ज़्यादा ही काम है। मैंने तो आज तक फ़ोन में भी नहीं लगाया और आज मैं पहली बार लगाने जा रहा हूँ इसमें। दिस इज़ अ वेरी बिग टास्क फॉर मी। ग्लेस बबल जा रहे हैं। ओके गाइस, बड़ी स्क्रीन पे हम लगा चुके हैं, अब बारी है बी स्क्रीन की। मेरा तो एक से काम चल रहा है गाइस, औरों की जरूरत नहीं पड़ रही। वैसे नया है, डस्ट तो इसमें है नहीं क्योंकि हमने अभी ये अनसील इसकी ओपन की है, तो इसमें डस्ट तो है ही नहीं, बट फिर भी बस हम अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी दूसरे टेम्पर्ड की तरफ, जो कि है आई थिंक यही है। मुझे भी कन्फ्यूजन है, साइज़ देख के पता चलेगा। आई थिंक दिस इज़ दी वन गाइस। ठीक है, तो हम फिर से यूज़ करेंगे स्टिकर का। पहले हम इसको इसके बैक साइड की तरफ से प्लेस कर लेंगे आराम से। ओके, तो पहले की तरह करेंगे हम अगेन। इसको प्लेस करेंगे गाइस। ये साफ तो है। बबल नहीं आने देना। छोटा सा बबल दिख रहा है मुझे, पर मैं आने नहीं दूंगा उसे। ओके, सेम चीज हम करेंगे लेंस के साथ।
ओके गाइस, तो फाइनली हमने तीनों तरफ टेम्पर लगा दिया है बहुत प्यारे तरीके से। आप देख सकते हो कोई बबल नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। मुझे यार इसमें स्क्रीन में थोड़ा सा एयर गैप लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट ठीक है, इतना तो हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमारे फ्रंट साइड पे टच स्क्रीन वैसे भी नहीं है। ये है हमारा GoPro का कवर जो कि बहुत ज़रूरी है यार। GoPro आप जानते हो एक महंगा कैमरा है, एक्सपेंसिव कैमरा है, और इसके बिना, ये इसका केस है, इसके बिना तो मतलब आप ये मान लो कि हर, जैसे कि फ़ोन को कवर की ज़रूरत होती है, ऐसे यार कैमरे को भी तो कवर की ज़रूरत है ना। तो इसका केस है, हम इसको लगाएंगे इस पर, ये कुछ ऐसा दिखता है, इसको हम, इससे हम अपने GoPro को कवर करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं कैसे कवर करना है। तो यार अब बारी आती है हमारी केस की जो हम GoPro में लगाने वाले हैं। तो यार हाथ की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। तो बहुत इजीली आप इसको खोल सकते हो, और यार ये ना इसके फ्लैश लाइट्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन अगर आपको इसकी नीड नहीं है तो यू कैन ईजिली रिमूव दिस लाइक दैट। मैं दिखाता हूँ, ओके, यू कैन ईजिली रिमूव दिस, बट मुझे लगता नहीं इसको रिमूव करने की नीड है, तो हम इसको लगा देते हैं, वरना ये मुझे खो ही जाएगा। और इसका लेंस ये भी हम रिमूव कर सकते हैं, बाद में देखते हैं इसको कैसे लगाना है। तो हम इसमें अपना GoPro सेट करते हैं। ओके ओके गाइस, तो इसको ना केस में डालने के लिए सब हटा देते हैं यार यहाँ से। तो इसको ना केस में डालने के लिए हमें ना इसका ये हटाना पड़ा शटर। इसको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है ये, इसमें बस ऐसे लगा रहता है, बंद रहता है, और इसको हमें बहुत बहुत स्लाइटली खींच देना है और ये निकल जाएगा, ताकि हम इसमें लगा सकें इसको। अब गाइस हमें कुछ नहीं करना है, आराम से अपने GoPro को इसमें ऐड कर देना है। के अभी चारों तरफ से खुल चुका है, अपने GoPro को आराम से इसमें हम करेंगे ऐड। ओके, जा चुका है, अब इसको भी करेंगे बंद, इसको भी करेंगे बंद। और गाइस अब अपना GoPro पैक हो चुका है केस में, अब हमें कोई टेंशन नहीं है यार कि टूट ना जाए, कहीं कुछ लग ना जाए, आराम से इसमें जा चुका है। चाहो तो इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ ऊपर वाले को, ऐसे बहुत इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब हम इसको बस जल्दी से माउंट करते हैं। तो गाइस इसके अंदर हमने जैक इंस्टॉल कर दिया, कुछ नहीं करना था, ये सिंपल है, इसको आप ये जो है प्रेस करके इसको बस अंदर हमें माउंट, बस इसको स्ट्रेच, बस इसको पुश करना है, दैट्स इट, और ये माउंट हो जाएगा। अब इसको माउंट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, ये हमारे, हम इनको ओपन कर चुके हैं। ओके, वो उसको हमें करने की ज़रूरत नहीं जो इसके अंदर आता है, हम डायरेक्टली इसको यहीं से करेंगे। ओके, ये यार टाइट चेक कर लिया करो, क्योंकि ये टाइट नहीं होता है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। इसको आप पुश करो, और गाइस बहुत ही सावधानी से स्क्रू को लगा दो। दैट्स इट गाइस। तो गाइस हमारा GoPro आ चुका है, और हम इसको सेटअप भी कर चुके हैं, और मैंने इसकी मोटो व्लॉग के लिए भी बहुत सारी एक्सेसरीज मंगाई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं कर सकता ड्यू टू माई हैंड फ्रैक्चर। तो अभी मैं उन चीज़ों का डिटेल व्यू नहीं दे रहा, क्योंकि जब मैं यूज़ नहीं कर सकता, और मेरे को हेलमेट भी ऑर्डर करना था, मैं अभी हेलमेट भी ऑर्डर नहीं किया है। तो जब भी मेरा फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा, तो फिर मैं उसका, अपने जो मोटो व्लॉगिंग का मैंने सेटअप मंगाया है, मैं उसका भी आपको एक डिटेल्ड वीडियो दूंगा। ओके, तो अभी हमारा GoPro आ गया, अब हम शूट करेंगे अपने आईफोन 11 से और GoPro से डेली। ओके, तो अगर आपको कुछ भी जानना हो तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो मैंने पहली बार कोई अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई है, तो अगर हो सकता है कि मैं, मुझसे कुछ चीज़ें मिस हो गई हूँ, तो अगर मुझसे कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, आपका कोई क्वेश्चन है कि मैंने कैसे सेटअप किया, क्या इंस्टॉलमेंट्स की, और क्या किस, कहाँ से मैंने ऑर्डर किया, कुछ भी GoPro 11 9 10 11 वॉट एवर GoPro से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके सेटअप, उसके एसेसरीज, के गिम्बल, बैटरी, और जो मैंने ये बैटरी केस मंगाया है, टेम्पर्ड, वॉट एवर, कुछ भी आपको GoPro के सेटअप से रिलेटेड अगर इंक्वायरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो, आई विल रिप्लाई एवरीवन गाइस। ओके ओके, दैट्स ऑल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइफ स्टाइल विद यश,
डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यार बहुत मेहनत मेरे को लगी है इसको, आपको पता है, इंस्टॉल कर रहा मैं आपके सामने। मैं वीडियो को कट करके डाला है, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मेरे को घंटों लगे यार इसको टेम्पर लगाने में, इसको केस लगाने में और ये सब चीज़ें अनबॉक्सिंग करने में। तो यार डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल अगर आपको लगा है कि वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल थी। और यार लाइक के बिना मत जाना प्लीज़। ओके थैंक गाइस, बाय बाय।